आज इन दोनों टेंटों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये टेंट है हिमले कंपनी का, तो इस टनल का फायदा ये कि इसमें कुकिंग कर सकते हो आप यहाँ पे बैठ के आराम से। ये वाला जो टेंट है ये भाई ऑलमोस्ट इस टेंट से डबल है, डबल आपने देख लिया होगा। ये टेंट यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक, और ये भाई वहाँ तक जा रहा है। दो ईट हमने रखी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं यार प्राइस नहीं बताते वीडियो में, मैं आज आपको प्राइस बता देता हूँ। ये वाला जो टेंट है, हेलो गाइस वेलकम बैक टू केपीएल एक्सप्लोर, कैसे हो भाई सारे। यार दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो कि दो टेंट, बेसिकली आज इन दोनों टेंटों का मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ। पहली बार मैं कंपेरिजन वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, तो कोई गलती हो जाए तो माफ करना। और भाई ऐसी धूप में बैठ के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये वाला टेंट जो है करीबन एक साल से हम यूज कर रहे हैं, कैचुआ का टेंट है। ये टेंट है हिमले कंपनी का। दोनों का आज कंपेरिजन करेंगे, किस में कितना स्पेस मिलता है, कौन सा टेंट ज्यादा बड़ा है। और ये वाला टेंट आप देख रहे हो, ये है टनल वाला टेंट, और टनल के क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आइए आपको दिखाते हैं टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। ये देखो, ये वाला 3% टेंट है, ये डीकैथलोन का है, कैचुआ का, जो हम यूज करते हैं हमेशा, ये हमारे पास हमेशा रहता है ये वाला टेंट। और ये वाला टेंट हमने नया मंगवाया है, हिमले कंपनी का टेंट है ये। ये 3XL है, यानी कि आप इस पे 3% और एक छोटा सा कैबिन भी बन जाता है जिसपे कुकिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो दोनों टेंटों का कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। और अभी मैं खड़ा हूँ अपने घर की छत पे और कैंप लगा के यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और जब पहाड़ों में जाएंगे तो आपके लिए कौन सा टेंट बेस्ट है तो उसका बताऊँगा। इनके प्राइस भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है, और क्वालिटी में देखेंगे कितना फ़र्क रहेगा और कितना बड़ा ये टेंट है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले टेंट सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना ये जो कैचुआ का टेंट है डीकैथलोन का, सबसे पहले इसको निकालते हैं और इसको लगाते हैं। आइए, ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करा हुआ टेंट है भाई, हमने बहुत सी वीडियो में यूज़ करा है क्योंकि हम कैंपिंग हमेशा करते रहते हैं। तो इसकी ये दो रबड़े होती हैं, इनको सबसे पहले निकालो, उसके बाद आपको टेंट निकल जाएगा। इसकी जो ये स्टिक है ये साथ में ही आती है, दो स्टिक होती है इसके अंदर। इसके जो धागे और जो कीले होती है गाड़ने वाली, मैं आपको दिखा दूंगा वो। तो इसको कवर को साइड में रखते हैं। ये वाला टेंट भाई डीकैथलोन का है, भरोसेमंद कंपनी है, और बड़ा प्यारा टेंट है ये भी। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो अभी दोस्तों इसमें स्टिक लगाते हैं। रोहित को मैंने बुला लिया है, रोहित एक्चुअली शूट करवा रहा है हमारा पूरा। ये स्टिक को ना आपस में ऐसे जोड़ना पड़ता है, ये जुड़ जाती है और ये लंबी हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा कि कितने रुपए का कौन सा टेंट है, वीडियो में आप बने रहना। ये क्रॉस में लगती है, एक इधर एक उधर। तो भाई अपना पहला घर बन के रेडी हो चुका है। ये वाला जो डीकैथलोन का टेंट था ये हमने लगा दिया है। आओ एक बारी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, दो लेयर का टेंट है ये। ये पहली लेयर ये वाली है, ये वाली, ठीक है। ये भाई वाटरप्रूफ नहीं होती है। जब आप समर कैंपिंग करोगे ना तो आपको ये वाली लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ इस वाली लेयर में आप सो सकते हो क्योंकि इसमें ये मॉस्किटो वाला नेट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये काफ़ी बढ़िया टेंट है। और जो ये वाला कपड़ा आप देख रहे हो ये बेसिकली बारिश से बचाने के लिए होता है, और अगर आप विंटर कैंपिंग कर रहे हो तो जो आपके अंदर की हीट है ना वो आपके अंदर ही रहेगी, तो ये मेनली वो काम करता है। तो डबल लेयर टेंट है ये, 100% वाटरप्रूफ होता है ये भी। तो दूसरा टेंट और लगा लेते हैं। तो भाई अपना सेटअप वो हो चुका है, अब ये हिमले वाला टेंट और लगाते हैं। ये भी मैं पहली बार खोल रहा हूँ, पहली बार ओपन हो रहा है ये, क्योंकि बिल्कुल नया टेंट आज ही आया है। और ये कहाँ से आया है, कहाँ से आप ले सकते हो, सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो के अंदर। ये देखो पहली बार इसकी पैकिंग खुल रही है, तो बिल्कुल नया नया टेंट है। ये देखो पर्चा भी निकला है इसका, कैसे कैसे डेमो है इस पे लिखा भी हुआ है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी देखेंगे भाई इसमें कैसे कैसे है। ये टनल वाला टेंट है एक्चुअली। तो आइए करते हैं सेटअप। ये भाई ग्रीन कलर का है, बड़ा प्यारा टेंट है। तो ये भी सेम है,
देखो बड़ा है यार, डिकैथलॉन वाले से बड़ा है, है ना? हाँ, ये डबल टेंट है भाई। तो इसकी स्टिक भी है हमारे पास, ये वाली, ये रही, ये स्टिक है इसकी। हाँ ये भाई फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है अपने पास। इसके अंदर ये वाली स्टिक भी निकली है, ये देखो डिकैथलॉन जैसी स्टिक है ये भी। इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाती है और ये ऐसे पूरी लंबी स्टिक बन जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि इसको ऐसा करना ज़रूरी है, ये फोल्ड होने में आसानी रहती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इतनी लंबी स्टिक रखेंगे कहाँ पे। देखो लंबी स्टिक हो गई ना। इसमें देखो, इसमें तो अलग सिस्टम था इस वाले टेंट में तो, और इसमें ये सिस्टम है, इसमें ऐसे इसको लगाना है और आपका उसके बाद ये लगा, इसको इधर लगा लगा, घेर दे कोई बात नहीं, लगी, उसको उधर लगा। ये ऊपर वाली लेयर है इसकी दोस्तों, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस पर ये कोटिंग है, जिस जो वाटरप्रूफ कोटिंग होती है, ये अलग है, फील करने पे पता लग रहा है कि वाटरप्रूफ कोटिंग है इसके साथ। तो इसको कैसे लगाना है, इसका बैक, ठीक है ठीक है, यही ठीक है, ऐसे ही है, हाँ हाँ ऐसे ही है ना। इस सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन ये बड़ा टेंट है, हाँ इसके अंदर जाएगी स्टिक ये दोस्तों, ऐसे इसके अंदर जाएगी ये वाली स्टिक, ये तब ये टनल बनेगी। इसमें डबल हुक दिए हुए हैं ये, हाँ पहले वाले हुक में लगा दे, किसमें है? अरे अरे नीचे वाले में लगेगी यार, इस वाले में पीछे कर दे, इस वाले ने, ये भी तो टनल बना होगा, तू इसको पीछे कर दे, आ गया समझ में? अब यहाँ पे ये सारी की, हाँ हाँ बड़ा है, ऐसे है ये, आगे फिर की लगेगा इस पे, वो लग जाती है कील होती है, कील लग जाती है इस पे कहीं रोकने के लिए, समझ गया? हैं काफी बड़ा है इसे तो, हाँ ये टनल। तो दोस्तों ये वाला टेंट अपना लग चुका है, और मैं आपको बता दूँ इसके बाद इसमें ये कीलें गाड़नी होती है, यहाँ पे कील है इसमें टेंट के अंदर, तो यहाँ पे ये गड़ जाएगा तो ऐसे खिंचाव आ जाएगा इस पे टेंट पे, और इसको अभी खोलते हैं अंदर से। तो बेसिकली इस टनल का फ़ायदा ये है, जब आप कुकिंग करोगे, शूज़ रखोगे और ऐसे करोगे ना, तो इस टनल का फ़ायदा ये है कि इसमें कुकिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे बैठ के आराम से, एक सेपरेट आपका वो तैयार हो जाता है। अगर आप जब इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऐसे छोड़ दो इसको, और यूज़ करना है तो ऐसे कर लो, काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाता है। तो एक बार आपको अंदर से और दिखा देता हूँ मैं, आइए आइए शूज़ निकालता हूँ मैं, एक बार अंदर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी हम टेंट के अंदर हैं, और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर 4 आदमी सो सकते हैं। ये भाई जो डिकैथलॉन वाला टेंट है ना, उसमें 3 आदमी सो सकते हैं, ये 3XL है, इस पर 4 आदमी बड़े आराम से सो सकते हैं, बड़े आराम से, और काफ़ी बड़ा टेंट है। आओ अंदर दिखाता हूँ कैमरा, ये देखो, और टेंट का कलर कितना प्यारा है वो आप देख ही रहे हो, ये ग्रीन है, ओलिव ग्रीन तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको पैरेट, नहीं ये थोड़ा अलग ही कलर, अलग ही कलर है कुछ, हाँ अलग ही कलर है दोस्तों, ये किसी को पता है तो कमेंट कर देना। और इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको ये मिलती है जाली, ठीक है, ये वाली जाली है, और ये ऊपर वाली ये लेयर खोल दोगे तो इसमें पूरा कंप्लीट वेंटिलेशन हो जाएगा,
हिमले वाले टेंट के अंदर दोस्तों आपको पॉकेट भी मिलती है, अगर आप कोई सामान वगैरह रखना चाहते हो तो वो अपना रख सकते हो। दो पॉकेट मिलती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दो इस तरफ मिलती है आपको, ये दो पॉकेट है। तो काफ़ी बढ़िया टेंट है भाई ये, मुझे डी कैथलोन से ज़्यादा बढ़िया टेंट लगा। और एक इसमें ख़ास बात ये है, ऊपर तक इसमें लेयरिंग दे रखी है, ये वाटरप्रूफ की लेयरिंग होती है। और इसमें वेंटिलेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें क्या जुगाड़ है वेंटिलेशन के लिए। ये बेसिकली आपको स्टिक वगैरह कुछ नहीं लगानी, यहाँ से आपका वेंटिलेशन होता रहेगा बड़ा आराम से। तो ये डी कैथलोन से ज़्यादा बड़ा टेंट है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये वाला अपना डी कैथलोन का टेंट है। प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई आओ डी कैथलोन वाले टेंट के अंदर चलते हैं। वैसे तो हम इस टेंट के अंदर बहुत गए हैं, आज आपको भी दिखा देते हैं। मैं अब टेंट के अंदर आ चुका हूँ, आ जा रोहित। तो ये टेंट बिल्कुल सिंपल टेंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसमें वेंटिलेशन के लिए क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये इसमें वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, और अगर आप ये ऊपर वाली लेयरिंग नहीं लगाते हो तो एक ये वेंटिलेशन के लिए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और इसमें ना ही कोई आपको पॉकेट मिलती है, अंदर से दिखाता हूँ मैं, कैमरा दो। तो ये आप अंदर से डिकैथलोन वाला टेंट देख रहे हो, इसमें आप लालटेन वगैरह अपनी लगा सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पॉकेट नहीं है, अंदर से कुछ भी नहीं मिलता इसके अंदर आपको। और उसमें वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा स्पेस है, ज़्यादा बढ़िया टेंट वो है। तो ये टेंट कुछ ऐसा है अंदर से, इसमें स्पेस कम है थोड़ा सा। इसमें ये ये वाला आपका डबल टेंट है ऑलमोस्ट, और इसमें तीन लोग सो सकते हैं एडजस्ट करके, और इसमें चार लोग बड़े आराम से सो जाएंगे, ये इतना बड़ा टेंट है। और ऊपर से आपको ये टनल भी मिलती है, ये आप ऐसे करोगे इसको और आपकी कीले गड़ जाएगी। तो ये देखो मैं आप दिखाता हूँ, रोहित इसको पकड़िए, मैं दिखाता हूँ आपको टनल कितनी बड़ी है अंदर से। अब कर इसकी टनल को ओपन, ये देखो ये कंप्लीट टनल ओपन हो चुकी है। अब और खींचेगी जब इसकी कीले वीले लग जाएगी प्रॉपर तरीके से, जब ये और खींचेगी। इसमें वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छे से होगा, और यहाँ पे आप बैठ के आराम से कुकिंग कर सकते हो, अपना स्टोव रख सकते हो नीचे आराम से, क्योंकि देखो यहाँ रखोगे तो कुछ जलने का कुछ भी रहता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, अपना स्टोव, चप्पल, जूते। तो बड़े आराम से ये टेंट मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा भाई। मेरे राइट साइड में है डी कैथलोन का टेंट, और मेरे लेफ्ट साइड में है हिमले का टेंट। ये वाला जो टेंट है ये भाई ऑलमोस्ट इस टेंट से डबल है, डबल आपने देख लिया होगा। ये टेंट यहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ तक, और ये भाई वहाँ तक जा रहा है। दो ईट हमने रखी हुई है ताकि भाई यहाँ पे कील गाड़ने का है नहीं, इसके साथ जो छोटी छोटी कीले आती हैं वो अभी थैले में रखी हुई है, वो यहाँ पे गड़ेगी तब ये प्रॉपर टेंट लगेगा। ये यहाँ तक टेंट है, यहाँ से आगे ये टनल बन जाती है। इसके अंदर बैठ के आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो, अपने शू रख सकते हो, अपने बैग रख सकते हो, ताकि आपके बैग वगैरह या कुछ भी सामान भीगे ना। और इस वाले टेंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये टेंट यहीं तक ख़त्म हो जाता है। और इसमें तीन बंदे सो सकते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके, क्योंकि हम सोए हैं इसमें तीन बंदे भी। इसमें चार बंदे आराम से सो सकते हैं, आपका लगेज आ सकता है, आपका खाना बन सकता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वाला जो टेंट है ये हमने मंगवाया था परागो आउटडोर से, दिल्ली से। और अगर आपको ये वाला हिमले का टेंट चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉल करके, इनका वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अब आते भाई मेन पॉइंट पे, प्राइस। बहुत से लोग कहते हैं यार प्राइस नहीं बताते वीडियो में, मैं आज आपको प्राइस बता देता हूँ। ये वाला जो टेंट है ये फ्लक्चुएट करता है, देखो 3000 से लेके और 3500 रुपये तक। हमने जो ये टेंट लिया था ये 3200 रुपये के आसपास का लिया था, अभी इसका रेट जो है डिकैथलोन की साइट पे 3499 रुपये, यानी कि 3500 रुपये का टेंट है ये भाई। इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है क्योंकि टेंट बढ़िया है, और आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी है, कई सारी चीज़ें हैं, आपका लगेज भी, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें, कई फ़ायदे हैं। इसका जो प्राइस है वो 6000 रुपये का टेंट है ये, लेकिन टेंट ज़बरदस्त है, रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रागो आउटडोर्स की वेबसाइट है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी आपको शो हो रहे होंगे डिस्प्ले पे, कॉल करके आप टेंट मंगवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बजट में टेंट चाहिए तो आप डी कैथलोन का ले सकते हो। इसका 2% भी आता है, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है, दो आदमी जाते हैं तो 3% का लो, और अगर चार आदमी जाते हो तो ये वाला टेंट लो, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। एक टेंट लेके जाओ चार आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक बात और, ये दोनों वाटरप्रूफ टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कम है ये कम है, दोनों ही वाटरप्रूफ टेंट है। और 100% कोई वाटरप्रूफ नहीं होता, लेकिन हाँ
आपका पानी अंदर नहीं आएगा। तो यार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट कर दिया करो यार, आपके लिए देखो कितनी धूप पड़ रही है, आंखें भी निकल रही है मेरी, ऐसी धूप में बैठ के आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं हम। पर हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी ना मुलाकात होगी, लद्दाख ट्रिप करेंगे बहुत जल्दी। इस बार हम ये वाला टेंट नहीं लेके जाएंगे, इस बार हम ये वाला टेंट लेके जाएंगे। इसका एक्सपीरियंस आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस बार अपनी धनों पर भी कुछ खास करवाएंगे। मैंने आपको बताया है वो इंडिया में स्विफ्ट पे पहली बार होगा दोस्तों। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।